गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपके सामने ये क्वेश्चन सामने आपके लेकर आया हूं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपके सामने बीएससी थर्ड ईयर का न्यूमेरिकल एनालिसिस का ये क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप इसे किस प्रकार लगाओगे आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं ताकि हम इस प्रकार के जितने भी वीडियो बना रहे हैं वो सीधे आप तक पहुंच सके। तो चलिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार लगाया जाएगा देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा क्या है, इवैल्यूएट इसको करना है। आपको सबसे पहली बात तो एक चीज़ ये जानना है कि भाई देखिए, जैसे कहीं ये लिखा है, ये इसकी वैल्यू, ठीक है, इसको बोलते हैं शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक। ये किसके इक्वल होता है, वन प्लस डेल के इक्वल होता है। यहाँ पर डेल जो होता है वो फॉरवर्ड डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इनका जो है डेल और इसका जो है इस प्रकार से रिलेशन यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। दूसरी बात मैं बता दूं, जैसे कभी भी, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे यहाँ पर सिर्फ ऑपरेटर एफेक्ट्स लिखा है तो इसको आप लिख सकते हो क्या, अगर h की वैल्यू, h यहाँ पर जो है आप समझिएगा जो लेंथ ऑफ द इंटरवल है वो अगर h हो तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस h बन जाएगा। बात समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिए वन है, ठीक है, तो यहाँ पर 1h बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पर अगर 2 लिखा होता और यहाँ पर x लिखा होता तो इसको हम क्या लिख सकते थे, f x प्लस 2h। जहाँ पर हमने आपको बता दिया कि h क्या होता है, बताइए, लेंथ ऑफ द इंटरवल, लेकिन सभी इंटरवल में लेंथ क्या होती है, इक्वल ही होती है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। जैसे इसी में अगर यहाँ पर मैं 3 कर दूँ और एफ एक्स लिख दूँ, ठीक है, तो आप इस चीज़ को क्या लिख सकते हो, f लिखोगे और यहाँ पर x माइनस 3h लिख दोगे। समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से, और h की जगह पे आप जो है 1 भी रख सकते हो, जैसे यहाँ पर h इक्वल टू कुछ जगह 1 लेकर के सॉल्यूशन किया जाता है तो आप यहाँ पर 1 भी आप रख करके इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ये तो था बेसिक चीज़ें, इसे थोड़ा सा हमने कहा कि आपको बता दें जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है, और इसको लगाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है। पहले आप यहाँ पर लिखोगे सॉल्यूशन, क्या लिखोगे, सॉल्यूशन लिखोगे, और सॉल्यूशन में देखिए क्या लिखोगे, पहले जो लिखा है उसी को लिखोगे। तो यहाँ लिखा डेल स्क्वायर एक्स क्यूब लिखा है और यहाँ पर ई एक्स क्यूब लिखा है, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लगाना और देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से किया जाएगा, ठीक है, और इसमें कहीं से किसी प्रकार से आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर क्वेश्चन सही है एकदम, हमने इसको चेक भी कर लिया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर ध्यान देते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपके सामने बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आपके सामने आया हूं जिसको लगाने में आपको बिल्कुल जो है मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और इस प्रकार से आप जो है क्वेश्चन को सीख जाओगे कैसे इसको लगाना है। ये न्यूमेरिकल एनालिसिस है बीएससी थर्ड ईयर का, ठीक है, और ये क्वेश्चन मैंने डॉक्टर विनोद कुमार के बुक से लिया है ताकि आपको क्वेश्चन ढूंढने में जो है परेशानी ना हो। आप वहाँ से देख, वहाँ पर जाकर के आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार लगाया जाएगा, चलिए देखते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को लगाना और देखिए इसको किस तरीके से हम लगाते हैं, ठीक है। बच्चों, एक चीज़ यहाँ पर इसको लगाने से पहले आप थोड़ा सा जान लीजिए कि जैसे यहाँ पर ई लिखा है, यहाँ डेल लिखा है तो इसको बोलते हैं शिफ्ट ऑपरेटर और डेल आपका होता है फॉरवर्ड डिफरेंस होता है, ठीक है। इन दोनों में रिलेशन होता है ये ई इक्वल टू वन प्लस डेल, ओके, क्लियर हो गया, नहीं हो गया। और अगर मैं बात करूं ई की, तो जैसे कहीं ई एफ एक्स लिखा हो तो इसको किस प्रकार से डिफाइन किया गया है, इसको डिफाइन किया गया है
बोलो एक्स प्लस एच से डिफाइन किया गया है। अगर यही पर टू होता एफ एक्स के, इसको मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू एच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पावर क्या लिखा है, टू लिखा है, वन था इसके ऊपर, इसीलिए यहाँ पर वन एच लिखा गया। अगर यहाँ थ्री होता, ठीक है, तो इसी चीज़ को आप लिख सकते थे इस तरीके से, यहाँ पर थ्री एच हो जाएगा, एक्स प्लस थ्री एच, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस टेन होता एफ एक्स यहाँ पर, तो आप इस चीज़ को आप क्या लिख सकते थे, x माइनस टेन एच लिख सकते थे। तो बच्चों ये बातें आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर देखिए इसका क्या यूज है, इसको किस प्रकार से आप काम कर सकते हो इस पर, ठीक है। चलिए ठीक है, एक बात मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। मान लीजिए आपके माइंड में आ जाए कहीं e लिखा हो, स्क्वायर लिखा हो, यहाँ पर मान लीजिए x लिखा हो, तब आप क्या लिख सकते हो इस चीज़ को, तब आप इसको लिख सकते हो x प्लस टू एच लिख सकते हो। भाषण में आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर h की, h का जो वैल्यू है अगर वन का इंटरवल है, तो यहाँ पर केवल x प्लस टू लिख दोगे। भाषण में आ रहा ही नहीं आ रहा है, अगर यहाँ पर लिखा है क्या, जैसे यहाँ पर लिखा है इसी तरीके से अगर हमको बनाना हो, तो अगर इंटरवल वन है तब की कंडीशन बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर थ्री लिखा है और यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर, तो आप कुछ नहीं करोगे, एक्स को एक्स की जगह पे आप क्या करोगे, एक्स प्लस, चूँकि यहाँ थ्री है तो थ्री लिखोगे, और एच की जगह तो वन ही है, और बाकी देखिए इस पर स्क्वायर लगा तो आप स्क्वायर इस तरह लगा दोगे। जैसे यहाँ पर लिखा है एक्स की पावर नाइन लिखा है और यहाँ पर टू लिखा है, तो आप इसको क्या लिखोगे, ये तो नाइन तो ऊपर पावर रहेगा ही, केवल आपको एक्स की जगह क्या लिखना है, एक्स प्लस टू लिख देना है, एक्स प्लस टू लिख दोगे। तो इस प्रकार से ये बातें आपके अच्छे से समझ में आ गया, ये इसके इक्वल हो जाएगा। अगर समझ में कम आया हो तो आप पिछली वीडियो में जा करके इस चीज़ को अच्छे से और देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ और क्वेश्चन को लगाना शुरू करता हूँ, देखता हूँ कि क्वेश्चन में क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा क्या है, ये लिखा है जैसा वैसा मैं इसको उतार दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और बहुत आसानी से देखिए इसको हम करने क्या वाले हैं, भाई आपको तो ये पता है कि e इक्वल टू होता है वन प्लस डेल होता है, लेकिन अगर वन यहाँ से डेल की वैल्यू निकाला जाए तो e माइनस वन हो जाएगा, बोलो डेल की वैल्यू होगा ही नहीं होगा। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, बात समझिएगा, अब यहाँ पर देखिए इसके ऊपर कोई पावर नहीं, तो यहाँ पर पावर तो मान लीजिए वन है, तो चलिए पहले इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, पहले देखिए यहाँ पर लिखा ये, तो इसको मैं चाहूँ तो e माइनस वन लिख सकता हूँ, यहाँ से देख लीजिए डेल की वैल्यू निकला है, और बाकी स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दिया, ठीक है, आसन में आ रहा है नहीं, यहाँ पर एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब लिख दिया। और नीचे देखिए इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि e लिखा है और यहाँ पर देखिए वन है और यहाँ एक्स क्यूब है कि नहीं, तो क्यूब तो ऊपर लगा रहेगा, लेकिन x की जगह क्या लिखोगे, बोलो x प्लस वन लिख दोगे, बोलो क्लियर हो गया नहीं हो गया, x प्लस वन। अगर यहाँ 2 होता तो क्या लिखते, x प्लस टू लिखते, यहाँ पर 10 होता तो क्या लिखते, x प्लस टेन लिखते, यहाँ पर समझ में आ गया नहीं बात ये, तो चलिए समझ में आ गया तो ठीक है। इसी प्रकार से अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, क्यूब लिखा है तो क्यूब तो लिखेंगे ही यहाँ पर, और यहाँ x की जगह क्या लिख देंगे, x प्लस वन लिख देंगे, ठीक है। ये यहाँ पर हमने किसका इस्तेमाल किया, शिफ्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। अब आगे आज ये देखते हैं आगे क्या है, आगे देखिए चलिए e माइनस वन का होल स्क्वायर लिखा है, तो फार्मूला लगा दीजिए e स्क्वायर, ठीक है, और जब e स्क्वायर हो गया माइनस टू ए बी होता है तो माइनस टू ई हो जाएगा, और प्लस वन का स्क्वायर करोगे तो वन हो जाएगा। भाई ये हमने तोड़ा a माइनस बी के होल स्क्वायर से, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। बाकी x क्यूब यहाँ पर है और नीचे जो लिखा है उसको मैंने एज इट इज लिख दिया, इसमें कोई फेर बदल नहीं किया, ठीक है। अब चलिए इसको आगे देखते हैं, आगे इसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक। अभी इसी जगह पे थोड़ा सा और काम कर लेते हैं, इसको तोड़ देते हैं। जब इसको ब्रेकेट को ऑफ करेंगे तो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यूब आ गया, यहाँ देखिए टू लिखा है, ई लिखा है, और यहाँ पर क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा, ई लिखा है ना, ओ इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना यहाँ पर ला करके, तो इसे हो जाएगा, और इसके साथ जब इसको ले जाएंगे तो आपका यही रह जाएगा। और नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस वन, और यहाँ पर लिखा है क्यूब, तो मैंने इसे लिख दिया। अब एक काम करिए, फिर से वही मैटर आ गया, देखिए इस पे ई पे ऊपर देखिए स्क्वायर लगा है और यहाँ पर इसके ऊपर क्यूब, तो एक्स के ऊपर लगा है क्यूब, तो आप क्या करोगे, सीधा सा इसको थोड़ा सा और सही से लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए एक्स के ऊपर लगा है क्यूब, तो भैया क्यूब लगा दो पहले, अगर दिक्कत हो रहा तो। बाकी यहाँ पर देखिए एक्स प्लस ई के ऊपर टू है तो एक्स प्लस टू हो जाएगा। ये यहाँ पर क्या लिखा है, ई के ऊपर कुछ नहीं तो वन है यहाँ पर दिख रहा है, तो माइनस टू तो लिखोगे ही यहाँ पर। अब यहाँ पर यहाँ भी एक्स के ऊपर क्या लगा है बताओ, क्यूब लगा है, लगाए नहीं लगा है क्यूब, तो यहाँ भी आप क्यूब लगा दोगे, और एक्स की जगह क्या लिखोगे, एक्स प्लस वन, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स प्लस वन, और यहाँ पर देखिए आपका एक्स क्यूब है ही है पहले से,
और नीचे देखिए क्या लिखा है, x प्लस वन का होल क्यूब लिखा है। इसमें आपको किसी प्रकार से कहीं दिक्कत हो रहा है? एकदम आसान क्वेश्चन है और इसमें आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। समझ लीजिए कि आप क्लास एट्थ में पहुंच गए, उस तरीके से यहां पर काम करना है भाई, ठीक है। तो चलिए यहां पर क्या करेंगे, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दीजिए यहां पर। तो जब a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे तो देखिए क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बी क्यूब का मतलब एट हो जाएगा, और प्लस थ्री ए स्क्वायर भी होता है, तो थ्री ए स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर, बी की जगह पे टू है, ठीक। प्लस थ्री ए बी स्क्वायर होता है, ए की जगह एक्स है, बी स्क्वायर का मतलब टू का स्क्वायर फोर हो गया। यहाँ पर भी वही काम करेंगे, अब यहाँ पर यहाँ से लिख देता हूँ, ठीक है। माइनस टू तो लिखा है, ठीक, इसमें भी तोड़ दीजिए तो क्या आएगा, ए स्क्वायर एक, देखिए यहाँ पर समझिएगा, ए क्यूब होता है प्लस बी क्यूब का मतलब वन आएगा, प्लस थ्री ए स्क्वायर बी, बी की जगह वन है, प्लस थ्री ए बी स्क्वायर का मतलब वन का स्क्वायर वन ही होगा, ठीक। और यहाँ पर आपका एक्स क्यूब लिखा है तो हमने उसी तरह लिख दिया, और नीचे देखिए क्या लिखा है, एक्स प्लस वन टू द होल क्यूब लिखा है। तो जो कुछ लिखा है सेम टू सेम लिख रहा हूँ, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, आ जाइए आगे क्या काम कर लेते हैं, ठीक है। आगे क्या होगा देखते हैं, एक्स क्यूब यहाँ भी है, एक्स क्यूब यहाँ भी है, भैया टू एक्स क्यूब हो गया, ये हो गया नहीं हो गया, चलिए कोई बात नहीं है, आपके समझ में आ रहा है, ठीक। प्लस अब स्क्वायर वाला लिखता हूँ पहले, तो यहाँ पर देखिए थ्री टू जा सिक्स, सिक्स एक्स स्क्वायर हो गया। अब आ जाते हैं इस पर, एक्स की पावर वन वाला लेते हैं, तो भाई थ्री फोर जे ये ट्वेल्व हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स लिख दिया प्लस एट लिख दिया। यहाँ पर आपके समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या किया है। अब इसके बाद देखिए क्या करता हूँ, यहाँ पर ब्रेकट को ऑफ करते हैं, जब ब्रेकट ऑफ करेंगे तो ये क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस टू एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर स्क्वायर वाले पे करते हैं, थ्री वन जा थ्री है ही है, और माइनस या टू है तो कितना आ जाएगा, सिक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब इस पे आ जाते हैं तो थ्री टू जा सिक्स एक्स आ जाएगा, वो भी माइनस में, सिक्स एक्स हो गया। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? और इसके बाद में देखिए, इतना काम आपने कर लिया, अभी ये बचा हुआ है, तो यहाँ पर टू आ जाएगा भाई, टू वन जा माइनस टू, ठीक। और नीचे आपका देखिए क्या लिखा हुआ है, जो लिखा है वही आप यहाँ पर लिख दोगे, क्यूब लिख दिया। और यहाँ पर देखिए बच्चों, बहुत आसान तरीके से आपका काम कर रहे हो, देखिए आपका एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, जिससे ये आपका कैंसिल हो रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर बच क्या रहा है भाई, यहाँ पर आपका जो है 12x है और यहाँ पर माइनस सिक्स एक्स है, 12x से 6x जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा भाई, 6x बच जाएगा, बोलिए क्या बच जाएगा, 6x बच जाएगा। और यहाँ पर देखिए 8 है, 8 में से 2 जाएगा, तो यहाँ पर 8 में से 2 जाएगा, तो यहाँ पर भी प्लस का 6 बच जाएगा। ये बातें आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। और अब यहाँ पर देखिए, नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा x प्लस वन का होल क्यूब लिखा है। तो बच्चों आप यहां पर चाहो तो 6 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, x प्लस वन बचेगा ऊपर, और नीचे x प्लस वन का यहां पर क्यूब है, तो अगर हम एक से एक को कैंसिल कर देंगे तो यहां पर क्या 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 बचेगा, 6 अपॉन x प्लस वन का यहां पर होल स्क्वायर बच जाएगा। बोलो यहां तक आप लोग समझ पाएंगे नहीं समझ पाए? तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से लगा सकते हो, यहां पर किसी भी प्रकार से आपको कोई समस्या नहीं हुआ है, और आप देखिए पूरा क्वेश्चन आपका सलूशन हो चुका है। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। थैंक यू।